celebrating 21st June International Yoga Day. So let's start. आज हमारा first yoga start होगा Om Ki Uchcharan. Om Ki Uchcharan के लिए हम आसन में बैठ जाएंगे. हाथों को normal रखते हुए straight नहीं करेंगे. ध्यान मुद्रा में बैठते हुए Om का उच्चारण शुरू करेंगे. इस उच्चारण को हम तीन बार करेंगे और सांस को खींचते हुए ओम का उच्चारण शुरू करें. तो स्टार्ट करें. रेडी स्टूडेंट्स, स्टार्ट. करना है.
धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है। ये है हमारा त्रिकोणासन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सिटिंग पोजीशन के कुछ आसन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बैठ जाते हैं। पहला आसन है सिटिंग पोजीशन का पद्मासन। पद्मासन में सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे दंडासन की पोजीशन में। उसके बाद दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखते हैं। इस पोजीशन में दोनों हाथों को सामने आने के बाद वज्रासन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। उसके बाद दाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ना है और अपने दाहिने पैर के उंगली को बाएं पैर की उंगली के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ लाना है। कुछ देर के लिए इस पोजीशन को रखना है। नेक्स्ट आसन है गौमुख आसन। इसके लिए फिर से हम लोग पहले कुंभ की स्थिति में आ जाते हैं। गौमुख आसन करने के लिए हम लोग को फिर से पैरों को पीछे लेकर के जाना है। इसके लिए पहले दंडासन की स्थिति में बैठेंगे सामने, पैर को पीछे अब हम लोग बमुख आसन करेंगे। बमुख आसन के लिए बाएं पैर को आगे से मुड़ते हुए घुटनों से इसको मुड़ते हुए कोशिश करेंगे कि इसके जो तलवे पे हम लोग को बैठना है उसके बाद दाएं पैर को आगे से मुड़ते हुए कोशिश करेंगे कि घुटना और घुटना एक समान होना चाहिए। उसके बाद दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ से जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर लाना है। उसके बाद पीछे से कोशिश करेंगे इसको उंगली में उंगली को फंसा देंगे। इस पोजीशन में थोड़ा देर बैठेंगे। इसी को हम लोग दूसरे साइड से भी करेंगे। इससे दाहिने पैर को अंदर की तरफ बाएं पैर को ऊपर मोड़ना है। Thank you.
आसन करने के लिए हमें ऐसे लेटना है। भुजंगासन में दो दृश्य होता है भुजंगासन। एक जिसमें आप अपने दोनों पांव को सामने रखते हैं और खुद को ऊपर की तरफ खींचते हैं। फिंगर को फोल्ड करना है, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर से आपको लेफ्ट साइड को